हेलो हाय एंड वेलकम टू एवरीवन। कमल की तरफ से सभी को नमस्कार। इंडियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज सुबह से ही हम वीडियो डाल रहे हैं, आपको पता है कि हम आज आर्मी पब्लिक स्कूल चंडी मंदिर आए हुए हैं और यहां पर जो आर्मी पब्लिक स्कूल डगसाई के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है, अभी एक बज चुका है और जो आउट बेल है, मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होने की जो बेल है, वो बज चुकी है। अभी कुछ समय बाद ही बच्चे जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर से बाहर आएंगे और उसके बाद हम बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका एग्ज़ामिनेशन कैसा रहा और जो एग्ज़ाम का लेवल था वो कैसा रहा, और उसके हिसाब से ही हम कट ऑफ का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों का जो इंतज़ार कर रहे हैं, और जैसे ही बच्चे बाहर आते हैं तो हम बच्चों से जो उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे कि उनका एग्जामिनेशन कैसा रहा। तो एक बच्चा और अभी हमारे साथ है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले बच्चे मास्क नीचे कर लो। आपका नाम क्या बेटा? जुगराज सिंगल। आप कहाँ से आए हैं बेटा? पंजाब। पंजाब से आए हैं। आपने अभी कौन सी क्लास के लिए एग्ज़ाम दिया है? हमने 8th में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम दिया है। तो बेटा मैं जानना चाहूँगा कि अंदर जो क्वेश्चन का लेवल था वो कैसा था? ठीक ठीक था, सब हमने किया हुआ था पहले क्लासेस में। अच्छा, तो साथ में आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि जो क्वेश्चन थे वो कैसे आए थे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए थे, सब्जेक्टिव आए थे, ऑब्जेक्टिव आए थे, किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले अंदर? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी थे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव थे और क्वेश्चन आंसर भी थे, सब कुछ था। सब कुछ मतलब मिक्सचर टाइप का क्वेश्चन पेपर बना हुआ था। तो अब ये बताएं आपने कितना अटेम्प्ट कर लिया है? हमने सारा अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट सारा किया? तो जैसा कि बच्चा बता रहा है कि मिक्स टाइप के जो क्वेश्चन थे और बच्चे ने सारा जो एग्ज़ाम है वो अटेम्प्ट कर लिया है। तो अभी के वीडियो में बस इतना ही। आगे भी इस तरह के वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इंडियन डिफेंस अकेडमी के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।